माय नेम इज़ युवराज मलिक और आप देख रहे हैं मेरा चैनल जो कि है विजन ऑनलाइन स्टडी। एंड आज मैं आपको कराने जा रहा हूँ पर्यावरण दिवस सप्ताह वर्ष एवं दशक। मतलब सिंपल वे में अगर मैं आपको बताऊँ तो मैं आपको करवाने जा रहा हूँ पर्यावरण के इम्पोर्टेंट दिन, इम्पोर्टेंट तारीख और वर्ष और सप्ताह जो कि आ सकते हैं एग्ज़ाम में। पर्यावरण से रिलेटेड आया कोई भी क्वेश्चन इसी टाइप का आने वाला है और उससे रिलेटेड नोट्स भी मैं आपको पीडीएफ के थ्रू प्रोवाइड करवा रहा हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये बहुत सारे दिवस मेरे सामने हैं जो कि आपको दिख रहे होंगे अब, और इसमें से सिर्फ कुछ ही आपको लर्न करने हैं जो कि इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के पर्पज़ से, और यही ज़्यादातर रिपीट होते हैं हर सी टेट के एग्ज़ाम में या फिर कोई भी जीके का पोर्शन जहां पर भी सिलेबस में पर्यावरण हो, आप सभी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आइए देखते हैं कौन कौन से हमें दिवस लर्न करने हैं। वेल, तो सबसे पहले हम देखेंगे विश्व जलमग्नता दिवस, ये हमें नहीं करना है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी, ये हमको जरूर लर्न करना है। विश्व गोरिया दिवस 22 मार्च, ये पर्यावरण के हिसाब से तो नहीं लेकिन वैसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जीके के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, विश्व वन दिवस, वानिकी दिवस को वन दिवस कहते हैं, ये होता है 21 मार्च को। जल संरक्षण दिवस ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, यह है 22 मार्च को। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद है विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को, यह है इम्पोर्टेंट है। पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल, बहुत इम्पोर्टेंट है। जैव विविधता दिवस 22 मई, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। और इसके बाद है विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और इसके बाद आता है विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। वन्य जीव दिवस 1 अक्टूबर, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। और इसके बाद आते हैं सप्ताह जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वन्य जीव सप्ताह, ये हमारे ये पड़ता है 1 से 7 अक्टूबर को। ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। इस सभी को आप पाउस करके वीडियो को स्क्रीनशॉट लेके लिख लीजिए एक पेज पर, और डेफिनेटली इसमें से एक क्वेश्चन आने वाला है जो कि आपके लिए करेगा बहुत ही बहुत हेल्प। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलते हैं नेक्स्ट पेज। ओके फ्रेंड्स, तो इसके बाद अगला दिवस जो इम्पोर्टेंट है वो है आपदा नियंत्रण दिवस 23 अक्टूबर को। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद है राष्ट्रीय पक्षी दिवस 12 नवंबर, राष्ट्रीय पर्यावरण संरक्षण दिवस, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, 25 नवंबर। ठीक है फ्रेंड, और इसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट आता है वो मानवा अधिकार दिवस 1 दिसंबर, विश्व एड्स दिवस भी 1 दिसंबर को होता है। और इसके बाद है वन महोत्सव, ठीक है, ये वन महोत्सव होता है जुलाई एवं फरवरी का प्रथम सप्ताह, हम ध्यान रखेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, दो क्वेश्चन रह गए हैं जो हमें देखना है, वो है राष्ट्रीय पर्यावरण जागरूकता महा मतलब महीना, ये होता है 19 अक्टूबर से 18 नवंबर को। ठीक है फ्रेंड्स, कब होता है, 19 अक्टूबर से 18 नवंबर को पूरा महीना होता है जिसे बोलते हैं राष्ट्रीय पर्यावरण जागरूकता माह। और इसके पास एक वर्ष आता है जिसे बोलते हैं अंतर्राष्ट्रीय वन वर्ष, ये है था 2011। सो ये सब क्वेश्चन हैं जो आपको ध्यान रखने हैं, और इससे रिलेटेड वीडियोस हैं जो मैं आपको दे रहा हूँ जल्दी, और इसके अलावा मैं आपको पीडीएफ भी दे रहा हूँ जिसमें पिछले 10 साल के इम्पोर्टेंट पर्यावरण से रिलेटेड क्वेश्चन हैं जो कि बार 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 आते रहते हैं। पर्यावरण से रिलेटेड आप सिर्फ ये पढ़ जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये सारे दिवस, इसमें से एक दिवस डेफिनेटली डेफिनेटली आने ही वाला है। सो फ्रेंड, कैसी लगी मेरी ये वीडियो ज़रूर बताएं, किस चीज़ के बारे में आपको टेंशन ज़्यादा हो रही है वो भी आप ज़रूर बताएं। इससे नेक्स्ट वीडियो मेरी संस्कृत की होगी जिसमें मैं आपको संस्कृत की कुछ ट्रिक्स बताने वाला हूँ। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।